नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहानी पे आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले यह वीडियो देख लीजिए। आज के बाद जब तू घर जाइबू नु त लोग इहे चीज कही की देखे कइलु। ते वीडियो आपने देखा जिसमें अनुपमा यादव के स्टेज प्रोग्राम में एक शख्स है जो शराब पीकर, हम देख सकते हैं कि उसकी जो हालत है वह किस तरह से है, और साथ ही पैसे देते हुए अनुपमा यादव के गालों को टच करने की कोशिश करता है। अब इसकी कहानी की अगर पूरी हम डिटेल में जाएं तो बता दूं कि यह घटना पिछले हफ्ते 16 अप्रैल की है और जगह नौबतपुर। नौबतपुर में उनका एक स्टेज प्रोग्राम था जिसमें यह वारदात सामने आया है। कई तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन यह घटना भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के मान और सम्मान को यह दर्शाता है कि किस कदर एक कलाकार के साथ बदतमीजी पूरे स्टेज पर होती है, लेकिन इसका विरोध नहीं होता। हम बात करें अनुपमा यादव की, तो ऐसी स्टेज प्रोग्रामर हैं और साथ ही ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की कलाकार हैं जिनके गानों तो हिट होते ही हैं, साथ ही महीने में उनके प्रोग्राम लोगों के दिलों को काफ़ी पसंद भी आती है। वहीं इस प्रकार की घटना भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस घटना पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों न की गई। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से यह शख्स शराब के नशे में धूत स्टेज पर चढ़कर अनुपमा यादव को पैसे देते वक्त गालों को टच करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही अनुपमा यादव इसे बड़े प्यार से समझाती हुई नज़र भी आ रही है। बदतमीजी की यह हद हम यही कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए शर्मसार का विषय है, क्योंकि कोई भी कलाकार वह होता है जो पिछले 20 साल 15 साल 10 सालों के अथक प्रयास के बाद, अपने स्ट्रगल के उस चरम सीमा तक पहुंचने के बाद उसे सक्सेस मिलती है और तब जाकर वह एक कलाकार कहलाता है, तब जाकर वह एक सुपरस्टार कहलाता है, और उसके पीछे की मेहनत को शायद ही कोई देखते हैं और उसे नचनिया और गवनिया का एक संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे तमाम लोगों से हमारा सवाल रहेगा कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के इन कलाकारों के साथ जो आप बदतमीजी स्टेज पर चढ़ के कर रहे हैं, वही अगर आपके घर की बहू बेटियां या फिर बहनें या फिर आपकी वाइफ हो तो क्या आप इसी प्रकार की घटना स्टेज पर करते हुए नजर आएंगे? सवाल और भी है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों का अपना कोई ज़मीर या फिर अपना कोई हक नहीं है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों के मान और सम्मान और इज्जत का कोई कहें तो स्टेज पर उनका सम्मान नहीं है? ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं अक्सर ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन यह घटना भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से शर्मसार कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अनुपमा यादव बड़े ही सहज लहजे में बात करते हुए नज़र आ रही है, अपने प्यार और साथ ही ये भी कह सकते हैं उनका जो लफ्ज़ है, उनका जो अंदाज़ है बात करने का, वो तब भी भैया ही कह कर है। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ जो एक तरफ से अश्लील संज्ञा दी जाती है, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार काफ़ी शालीन होते हैं और साथ ही वैसे सभ्य होते हैं जो हर किसी का इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन स्टेज प्रोग्राम या फिर ऐसी कई जगह होती है, पब्लिक प्लेस होती है जहां उनके खिलाफ इस तरह की घटनाएं होती है। तो आप भी सतर्क रहिए और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ नहीं, तमाम कलाकार जो हैं उनका सम्मान करिए जो स्टेज पर या फिर कहीं भी जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी प्रकार की और भी खबरें हम लेकर आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई के खिलाफ उठना शुरू करिए, सच्चाई के खिलाफ आप भी साथ देना शुरू करिए, ताकि आने वाले ऐसे कई जो कलाकार हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं ना हों। हम और भी कई खबरें लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।